Good morning everyone, myself Ashish Sharma, I welcome you all in series of MongoDB. Aaj hum log important questions ko discuss karenge, which is based on interview and Viva, and it is of MongoDB database. To isme jo sabse pehla question hamare paas mein hai, wo hamare paas mein hai, explain what is MongoDB. तो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ. इट्स ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस. मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है. ये हमें हाई स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे पास में हाई अवेलेबिलिटी रहती है वो ये हमें प्रोवाइड करता है. उसके अलावा जो है वो आपका जितना भी डेटाबेस का एक तरह से परफॉर्मेंस है, तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस लेवल का हमें ये देता है. तो मोंगोडीबी में ये इम्पॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी के साथ में और स्केलेबिलिटी के साथ. स्केलेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं साइज़ को. तो डेटाबेस से रिलेटेड तो यही है कि इजी आप डेटाबेस के साइज़ को अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से उसके साइज़ को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो. सो दिस इज़ दैट MongoDB ऑल अबाउट. इट्स अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस विच इज़ फॉर हाई परफॉर्मेंस, विच इज़ फॉर हाई स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट. तो वहाँ पर इसका काफ़ी ईजिली हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज नेम स्पेस इन MongoDB. तो जब हम नेम स्पेस की MongoDB में बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वी यूज ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन, जिसमें MongoDB बीसॉन को स्टोर करता है. बीसॉन जो होता है वो बाइनरी होता है, इंटरचेंज स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट नोटेशन, और एक तरह का कॉन्केटिनेशन होता है कलेक्शन नेम का और डेटाबेस के नाम का. तो इनका अगर हम कॉन्केटिनेशन करते हैं तो उसको हम एज अ नेम स्पेस यूज़ करते हैं. और बेसिकली फॉर ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन का जब यूज़ होता है और उसको हम कॉन्केटिनेट करते हैं डेटाबेस के नाम के साथ, सो दिस इज़ नोन एज अ नेम स्पेस. और इसमें MongoDB बीसॉन को जो है वो स्टोर करता है बाइनरी, जो कि आपकी इंटरचेंज और स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट म्यूटेशन होता है, ये स्टोरेज होती है MongoDB में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयरडिंग इन MongoDB. शेयरडिंग का कॉन्सेप्ट है जैसे जो डेटा है आपका वो मल्टीपल मशीन्स पर आप स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MongoDB. तो यहाँ पर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, एक तरह से पार्टीशनिंग जो हो रही है, वो मल्टीपल मशीन्स पर हो रही है. और जब भी आप चाहेंगे तो आप आसानी से उस डेटा को मशीन से फैच कर सकते हो. तो ये जो पार्टीशन हो रहा है ये आपका हर एक पार्टीशन आपका शेयरडिंग कहलाता है. शेयरडिंग इन MongoDB एंड इट इज़ यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ऑन मल्टीपल मशीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सी द कनेक्शन यूज बाई मोंगोस. तो यहाँ पर आपके पास में फंक्शन होता है मोंगोस में, जो आप db_admin कमांड यूज करते हो और उसमें कनेक्शन टू स्टेट्स आपको एक आर्गुमेंट पास करना होता है. तो इस सिंटैक्स को यूज़ करके आप कनेक्शंस देख सकते हैं जो मोंगोस यूज़ कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज अ रिप्लिका सेट. रिप्लिका सेट जो होता है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ मोंगो इंस्टेंसेस. मोंगो इंस्टेंसेस का एक तरह का ग्रुप होता है और ये होस्ट करता है सेम डेटा सेट्स को. रिप्लिकेट में आपके पास में नोड्स होते हैं, एक नोड आपका प्राइमरी का काम करता है, एक सेकेंडरी का काम करता है, और जो भी डेटा रिप्लिकेट्स होता है वो प्राइमरी से सेकेंडरी नोड की तरफ होता है. तो सेम डेटा सेट को होस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोंगो इंस्टेंसेस एंड इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ कंसीडर एज रिप्लिका सेट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोंगोस का. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाउ रिप्लिकेशन वर्क्स इन MongoDB. तो एक चीज़ तो पक्का है कि मल्टीपल सर्वर्स पर आपका डेटा जाके स्टोर हो रहा है. यू हैव टू मेक दैम सिंक्रोनाइजिंग वे. तो आपको एक प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग यूज करना होगा ओवर डेटा विच इज नोन एज रिप्लिकेशन. एंड डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स रिडंडेंसी एंड इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी विद मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स. तो मल्टीपल कॉपीज होती हैं डेटा की जो डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स पर होती हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो. अगर मान लीजिए किसी एक सिंगल सर्वर से फेलियर होता है और डेटा लॉस होता है, तो आपके पास दूसरे सर्वर्स होते हैं जहाँ से आप उस डेटा को फैच कर सकते हो. तो ये इस तरह से MongoDB में रिप्लिकेशन वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप स्कीमा क्रिएट करते हैं तो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कीमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें एक तो आपको जो
इसके बाद की डिज़ाइन करनी है, उसमें आपको यूज़र रिक्वायरमेंट्स को लेना होगा कि यूज़र का जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, उस तरह से आप अपने स्कीमा को डिज़ाइन करें। दूसरा है कंबाइंड ऑब्जेक्ट इनटू वन डॉक्यूमेंट, अगर आप उनको एक साथ यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को तो उनको एक ही डॉक्यूमेंट में आपको कंबाइंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू सेपरेट दैम। ड्राइंग्स आपका राइट के साथ में वर्क करेगा, आप उसको रीड के साथ में यूज़ ना करें। मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ केसेस यूज़ कर सकते हैं जब हम स्कीमा के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करते हैं और डू कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन इन इन द स्कीमा, और हमें कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन यूज़ करने होंगे स्कीमा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हेनेवर वी क्रिएट एनी स्कीमा इन MongoDB। डिज़ाइन योर स्कीमा अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स को कंबाइंड करना है जब हम उन्हें एक साथ यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज हम उन्हें सेपरेट रखेंगे। कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फ्रिक्वेंटली यूज केसेस जो हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्कीमा। और जॉइंस जब भी करेंगे तो राइट होगा तब करेंगे, ना कि रीड के साथ में करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं वंस वी आर क्रिएटिंग स्कीमा इन MongoDB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ कलेक्शन एंड ड्रॉप ऑफ अ कलेक्शन इन MongoDB। तो db.createCollection, इसमें 2 आर्गुमेंट नेम कॉमा ऑप्शंस आपको पास करने होंगे, और ड्रॉप के लिए आप इसमें db.collectionDrop यूज कर सकते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। तो ये 2 सिंटैक्स हैं जिनके बेसिस पे क्रिएट अ कलेक्शन एंड ड्रॉप अ कलेक्शन इन MongoDB को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफाइलर। प्रोफाइलर आपकी परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स को शो कराने के काम आता है सभी ऑपरेशंस की। आपको लगता है कि एक क्वेरी मेरी थी जो कि फास्ट चलनी चाहिए थी बट वो स्लो है, तो इस तरह के जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो आप प्रोफाइलर की मदद से MongoDB में इसको आप फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ ऑपरेशंस अगेंस्ट द डेटाबेस, सो यू कैन ईजली डू दिस। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन कैन यू मूव ओल्ड फाइल्स इन मूव चंक डायरेक्टरी। आप कर सकते हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं एक बार जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल शेयर्ड बैलेंसिंग ऑपरेशन दीज फाइल्स आर मेड एज बैकअप्स, आप उन फाइल्स को ओल्ड फाइल्स को एज ए बैकअप यूज कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो वंस योर ऑपरेशन हैज डन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इससे पहले भी मैंने एक प्लेलिस्ट MongoDB इंटरव्यू क्वेश्चन पर बना रखी है, प्लीज़ वॉच दैट प्लेलिस्ट। मेक योर सजेशंस पोस्ट ऑन माई चैनल जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनको मैं इम्प्रूव कर सकूं। योर सजेशंस आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।